एंड सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल आपकी आवाज़। आप जानते हैं कि मैं बिजनौर गई थी, वहाँ दो बच्चों की मौत हुई, एक 21 साल का, एक 22 साल का। एक लड़के का नाम अनस, दूसरे का नाम सुलेमान। एक लड़का एक कॉफी मशीन को चलाता था अपने परिवार की आमदनी के लिए। वो अपने घर के बाहर खड़ा था अपने पिताजी के साथ, तो पिताजी को कहा कि मैं 5 मिनट में आ रहा हूँ, दूध लेने जा रहा हूँ। पिताजी ने कहा देखिए अभी मत जाओ, कुछ आवाजें आ रही हैं वहां से। तो कहा मैं अभी 5 मिनट में आता हूँ, बस दूध लेके आता हूँ। वो बच्चा चले गया, गली में से निकला, वो गली भी मुझे दिखाई उस परिवार ने। पिताजी ने 10 मिनट इंतजार किया, फिर कोई दौड़ा दौड़ा आया, कहा कि काले जैकेट पहना हुआ एक लड़का मर गया है। तो इनके पिताजी भी भागे, वहां पे उनको अपने बच्चे की लाश मिली। बच्चे की लाश को लेकर अस्पताल गए, वहां कोई सहायता नहीं मिली, कोई था नहीं। पुलिस ने दबाव डाला, उसको अपने परिवार जहां पे वो रहता था वहां दफन करने से मना किया। परिवार को धमकाया कि आप FIR दर्ज करोगे तो आपके खिलाफ मुकदमे होंगे। अंत में उसको गांव से, जहां से, मोहल्ले से 20 किलोमीटर दूर दफनाया गया। पिताजी ने रोते रोते मुझे कहा कि मैं रोज अपने बच्चे के कब्र को भी देखने नहीं जा पाऊंगा। 21 साल का सुलेमान UPSC के लिए पढ़ाई कर रहा था। पढ़ाई के दौरान बच्चों के ट्यूशन भी लेता था, बुखार था, शायद नोएडा में रहता था, बुखार था, घर आया था कुछ दिनों के लिए। शाम को नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद गया, मस्जिद के बाहर खड़ा था। परिवार का कहना है और जो वहां पे खड़े हुए लोग हैं उनका कहना है कि पुलिस ने उसको वहां से उठाया, कहीं पे ले गए। बाद में कुछ आधे घंटा बाद पता चला कि 5-6 किलोमीटर दूर एक लड़के की लाश मिली है। उसको यहाँ छाती में एक गोली लगी थी, गोली आर पार हुई, ऊपर कोई कपड़े नहीं पहना था। इस स्थिति में उसके परिवार को ये लड़का मिला। फिर से पुलिस ने दबाव डाला कि आप FIR दर्ज नहीं करेंगे। शाम के समय, उनके पिताजी बहुत बूढ़े हैं, परिवार में ज्यादातर महिलाएं हैं, शाम के समय पुलिस आई, उन्होंने परिवार को धमकाया कि किसी भी तरह की कार्रवाई करने की कोशिश करोगे तो ध्यान रखना। ये दो बिजनौर के इंसिडेंट जिनका मुझे अपना अनुभव है। यहाँ लखनऊ में मैं दारापुरी जी के परिवार से मिलने जा रही थी, 77 साल के रिटायर्ड IPS ऑफिसर जिनको अपने घर से गिरफ्तार किया गया। एक अंबेडकरवादी, बेहद शालीन, और मतलब उनके घर से ही दिखता है कि किस तरह के इंसान थे। कमरे में सिर्फ किताबें रखी हैं, IPS में रहे, घर से ये दिखा कि एकदम कोई मतलब ऑनेस्ट, एक ऑनेस्ट इंसान का घर था ये दिख रहा था। उन्होंने एक फेसबुक पोस्ट डाली इस कानून के खिलाफ, और उस फेसबुक पोस्ट के साथ एक और फेसबुक पोस्ट डाली जिसमें कहा कि जो भी प्रदर्शन करने जाए शांतिपूर्वक प्रदर्शन करे। उनके घर को आया, पुलिस आई, घर से उनको उठाकर गिरफ्तार किया गया। उनकी 75 साल की बीवी बीमार है, पलंग से उठ नहीं सकती, रो रही थी, बहुत घबराहट थी कि क्या होगा, क्योंकि उनको एक ऐसी लिस्ट में डाला गया है जिसमें 48 लोगों के नाम हैं। उसमें हमारी कांग्रेस की प्रवक्ता सदर जफर का भी नाम है। उनके भी बच्चों से मैं मिली, एक 10 साल का छोटा बच्चा, 16 साल की बच्ची, अकेले अपने घर में रह रहे हैं 4 बिल्लियों के साथ, कोई बड़ा नहीं है घर में, बेटी खुद खाना वाना पकाती है, रिश्तेदार हैं लेकिन साथ नहीं रहते, अपनी माँ का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, कोई खबर नहीं है, माँ से अभी तक मिले नहीं है। माँ क्या कर रही थी, कौन सा बड़ा जुर्म था उनका, सड़क पर खड़ी हुई थी,
वीडियो ले रही थी, प्रदर्शन चल रहा था, उस प्रदर्शन का वीडियो ले रही थी, उनका अरेस्ट भी उस वीडियो पे है।